आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा कॉलेज परिसर में कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है, न ही आगरा कॉलेज में कोविड 19 डेस्क की स्थापना की गई है और न ही छात्रों का कहना है कि आगरा कॉलेज प्रशासन कोरोना के प्रति कोई कठोर कदम उठा रहा है। आगरा कॉलेज में जो है 24 जुलाई से विश्वविद्यालय की जो मेन परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और देखा जा रहा है कि कॉलेज कैंपस में अधिकतर जो छात्र और छात्राएं हैं वो कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं आगरा कॉलेज के जो यहाँ पर जो मास्क भी लगा रहे हैं और कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे जो छात्र जो कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं आखिर वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि कोविड के अभी कोविड निकल के गया, आप लोगों को पता है कि कोविड की थर्ड लहर आने वाली है और ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि प्रॉपर्ली मास्क को लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और अपना जो भी है कॉलेज में आते हैं एग्जाम्स के लिए तो अच्छे से एग्जाम दें और दूरियाँ बना के रखें जिससे कि कोविड जो है वो ज़्यादातर ना फैले, जिससे कि ये अपनी सुरक्षा के लिए और औरों की सुरक्षा के लिए है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोविड को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें और हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। थैंक यू। और भी छात्रों से बात करेंगे, सरकार द्वारा और चिकित्सकों द्वारा मतलब अगस्त में कहा गया है कि संभवतः तीसरी लहर आने की संभावना है, तो ये बताएं तीसरी लहर के बारे में आप कुछ जानते हैं कुछ? नहीं सर, तीसरी लहर को तो पता नहीं, अगस्त में आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी जी। पर हाँ, प्रॉपरली मास्क यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल जो अगस्त है, अगला महीना जो इसी अगस्त में आने की संभावना? नहीं नहीं, ये तो कोई इस पर कोई मतलब कि स्टडी तो होती रहती है इंडिया में, पर जरूरी नहीं कि हो ही जाए, आ ही जाए तीसरी लहर, पर आप सैनिटाइज करते रहें और मास्क लगाए रखें बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और भी हम छात्रों से बात करेंगे कि ये बताएं कि जो है चिकित्सक कह रहे हैं कि इस बार जो थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा खतरा होगा, तो आप बताएं कि बच्चों को किस तरह खतरा होगा? यही जो बड़ों के साथ हुआ है वही बच्चों के साथ होगा, फीवर और ऑक्सीजन की कमी। मेरे घर में तो खुद ही हुआ है इस साल, मेरी दादी खुद की डेथ हो गई, मेरी मम्मी खुद हॉस्पिटलाइज रही हैं पूरा एक महीना। फिर भी लोग क्यों नहीं समझ रहे? फिर भी लोगों को डर नहीं है, लापरवाही है लोगों के बीच में और कुछ भी बात नहीं है। सर, लोगों को सभी तरह से कोशिश की गई है अवेयर करने की कोरोना की और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी, लेकिन उसके बाद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है, देखते हुए भी कंडीशन की कोरोना जो है वो कितना घातक साबित हो चुका है और कितनी जिंदगियां जा चुकी हैं, उसके बाद भी सरकार के हर मुमकिन प्रयास के बाद लोग जो है मानना नहीं चाहते, कोई कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। मार्केट्स देख लीजिए आप, किसी भी पब्लिक प्लेस पे देखिए आप कितनी ज़्यादा क्राउड रहता है, उसके बाद भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जानते हुए भी कि क्या इसके जो है परिणाम हो सकते हैं। कोविड के दौरान मास्क हमारे यहाँ का एक कल्चर बन चुका है कि लोग बिना कहे मानते नहीं हैं, ठीक है। आप जब तक लोगों से कहा नहीं जाए ना तब तक वो सुनते नहीं है, पहली बात। कॉलेज में ना तो कोई ऐसी व्यवस्था है, ना तो कोविड हेल्प डेस्क लगाया गया है कि बच्चों को ढंग से सैनिटाइज किया जाए, ढंग से मास्क दिए जाएँ, कोई व्यवस्था नहीं है कॉलेज की, सारी व्यवस्थाएँ फेल हैं। कॉलेज बिल्कुल इस बात के जिम्मेदार, और जब हम शिकायत कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, कॉलेज जिम्मेदारी नहीं ले रहा इस चीज़ की। एक छात्र और है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे मतलब छात्र क्यों नहीं लगा रहे हैं, जो छात्र मतलब जिम्मेदार है, मतलब बच्चे तो है नहीं कि वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। छात्र सर कहाँ नहीं जा सकता कुछ, शायद उन्हें चिंता नहीं होगी अपनी ज़िंदगी की, वो समझ नहीं रहे इस बात को फिलहाल और वो समझना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को। सारी जिम्मेदारी मतलब कॉलेज की और सरकार की नहीं है, मतलब हमारी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, पर जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगे, लोग तो हेलमेट भी नहीं लगाते हैं। अपील करना चाहूँगा मैं लोगों से, यही अपील करना चाहूँगा, जैसे अपनी जान की फिक्र है वो मास्क लगाए, जैसे नहीं है उसकी मर्जी है। अधिकतर छात्रों का यही कहना है कि आगरा कॉलेज में ना तो जो है कोविड हेल्प डेस्क की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही बच्चों को इस चीज़ के लिए टोका नहीं जा रहा है जो। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही सरकार और विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना है, लोग फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर इस तरह से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो आगरा में नहीं, आगरा पूरे देश में तीसरी लहर बहुत जल्द आएगी। कैमरामैन राजीव के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।